तो फ्रेंड्स, हम लेकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो जिसमें आपको दिखाएंगे हम तीन कलर R5 P4K, जो देख सकते हैं एक ब्लैक है, एक जो न्यू कलर आया है और एक R5 S आई है। उसमें डिटेल दिखाएंगे आपको क्या क्या चीज़ आएगी, क्या क्या अपडेट हुआ उसके अंदर, क्या क्या नहीं हुआ। तो R5 P4 है उसके अंदर और इसमें क्या डिफरेंस है, M में और R5 F4 में क्या डिफरेंस है वो चीज़ दिखाते हैं आपको। सो पहले दिखाते हैं अपन ब्लैक कलर R5 का। सो देख सकते हो, ये देखो जो सिंपल ये पहले जो आया था जो आपने देखा भी होगा ब्लैक कलर, इसमें गोल्डन व्हील दे रखी है अपन। देखिए अपन को तो सिंपली वाइजर है और जो अपने इसमें इसमें क्विक शिफ्टर ना नहीं दिया हुआ है इसमें, और जो R5 V4 है उसके क्विक शिफ्टर दिया हुआ है इसमें। इसमें ये डिसएडवांटेज है, तो इसका मीटर देख सकते हैं अपन। तो मीटर जो सिंपल मीटर है R5 का वो ये है, कोई अपडेट नहीं किया हुआ। जो R5 M में जो अपडेट किया था, वो अपडेट इसमें नहीं हुआ है अभी। जो अब दूसरी गाड़ी जो अभी अपडेटेड है उसमें न्यू कलर आया है बेबी पिंक कलर के, जो रानी कलर आया है बेबी पिंक नहीं बेबी पिंक, जो बेबी पिंक कलर आया है क्या दिखा सकते हैं आपको, ये देखिए। सो ये कुछ न्यू कलर आया है इसमें, जो उसकी व्हील है वो इसकी पिंक है, जो आगे से इस तरीके का लुक दे रही है। स्काई ब्लू है, स्काई पिंक है ये, सिल्वर कलर की बॉडी है इसमें। जो इंडिकेटर है इसके जो पुराने वाले हैं हेलोजिन वाला देते हैं, जो इसमें LED इंडिकेटर नहीं दिए गए, सेम इसमें भी यही दिक्कत है, इसमें भी हेलोजिन ही है। पिंक कलर इसमें, और इसमें देखो देख सकते हो आप जैसे कि इसमें जो R5 V4 है इसमें क्विक शिफ्टर को दिया हुआ है, तो ये थोड़ी एडवांटेज रहती है अपन को गाड़ी चलाते टाइम। जैसे अपन स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो अपन को बहुत बहुत ज़्यादा फायदा करती है, बिना क्लच दबाए अपन क्या कर सकते हैं गियर शिफ्ट कर सकते हैं, टाइम डाल भी सकते हैं निकाल सकते हैं। देख सकते हो इसमें क्विक शिफ्टर दिया हुआ है, देन इसमें नहीं दिया, इसमें सिंपली जैसे जो होता है वो ये जो गियर का सिस्टम ऊपर अपन को क्लच दबा के करना पड़ता है वही होगा। और थोड़ा ये थोड़ा मुझे आप पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा ओल्ड वर्जन लगा है, तो इसमें भी कुछ अपडेट होने चाहिए कि जो व्हील है इसकी जो गोल्डन है वो गोल्डन इतनी अच्छी लगती नहीं है, और इंडिकेटर भी इसकी वही है, जो अपन को क्या करना पड़ेगा इसको आउटपुट मार्केट इंडिकेटर चेंज कराना पड़ेगा। ये थोड़ी एक जो डिसएडवांटेज मुझे लगती है जो अपडेट होनी चाहिए थी। अब देखते हैं इसका मीटर देख लेते हैं अपन, तो इसमें मीटर में कुछ अपडेट हुआ है नहीं हुआ। मीटर भी इसका वही पहले जैसा ही है, जो सेम है जो R5 P4 ब्लैक कलर का था उसके भी सेम मीटर है, क्योंकि जो अपनी जो M है या फिर अपना मोस्टर एडिशन है R5 P4 का, उसका मीटर थोड़ा डिजिटल है, मतलब तो थोड़ा अलग फीचर है इसके अंदर। मीटर में भी दिखाएंगे आपको क्या क्या चेंजेस है इसके अंदर। सिंपली यहाँ इसका चेंजेस करने वाला मोड है देख सकते हैं यहाँ पर, तो जब अपने कुछ ट्रैक पे जाना है ट्रैक मोड है, देन फ्यूल एवरेज वाला अपन कितना एवरेज दे रही है, TCS हो गया अपना, TCS को ऑन ऑफ भी अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से इजीली कर सकते हैं, देन कितने किलोमीटर चली है क्या टाइम दे रहा है, तो उन सारी चीज़ें अपने यहाँ से इस एरिया से कंट्रोल कर सकते हैं। देन ये स्टार्ट का देन ये ऑफ का। सो अपन ने इसका मीटर तो देख लिया था, तो अब इसको करते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट करने का साउंड देखते हैं किस तरीके का साउंड है। सो स्टार्ट करते हैं और इसका भी साउंड देखेंगे अपन और उसका भी साउंड देखेंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसमें तो मैंने बताया आपको, तो थोड़ी एडवांस है ही है। इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो साइलेंस है तो नॉर्मल जो साउंड कर रहा है वो ये, तो थोड़ा भी कैसे लगता है थोड़ा साउंड। देख सकते हो आप तो कुछ है नहीं, जो नॉर्मल V3 के अंदर V4 के अंदर जो है साउंड वही है, बस इसका थोड़ा कलर मॉडिफिकेशन करा है, एक कलर इसके अंदर और आया है रेड कलर, जो अभी क्या है शोरूम में अवेलेबल नहीं है। तो सर से बात हुई है मेरी, तो जल्दी से जल्दी से अवेलेबल कराएंगे उसको, हम भी करेंगे जिससे कि आ सके वीडियो बनाने के लिए और आपको दिखा सके। कि मेरे हिसाब से अगर गर्ल्स अगर R5 चूज़ करना चाहती है तो उनके लिए बेस्ट वर्जन निकाल गया है ये V4 का वर्जन 4.0, तो उनके लिए बेस्ट है, वो ले सकती है प्रेफर कर सकती है। जो MT चलाती है वो R5 पे जाती है, जो नेकेड बाइक से स्पोर्ट बाइक में कन्वर्ट करना चाहती है तो उनके लिए बेस्ट कलर ये है, और थोड़ा दिख भी रहा है बहुत अच्छा सा। और अपने बॉयज़ के लिए देख सकते हो जैसे कि ये है, तो इसमें भी एक वाइट कलर और रेड कलर भी आया है, उसकी भी जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। इसको भी स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार,
दोनों सैंपल में ऊपर ही लगा रखी है। तो करते हैं इसको स्टार्ट, देख सकते हो उसका भी साउंड। जो बेसिक साउंड होता है वही है, कुछ ज़्यादा कुछ दिखता है। थोड़ा इसमें मीटर में थोड़ा कुछ चेंजेस होना चाहिए था, पहले के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए था बहुत। कोई ना, अब जो अपडेटेड मॉडल आ रहे हैं उनमें देखते हैं चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।